Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot, Six for Truth, Always Exposes Darkness. तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में बहुत जल्द ठीक है कौन आने वाले हैं, हु इज़ कॉन्स्टेंटली स्टॉकिंग यू, आपको कौन स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में लगातार कौन सोच रहे हैं आपके ज़िंदगी में. उनके आने से आपकी ज़िंदगी भी बदल सकती है. ऐसा कौन सा इंसान है, क्या वो आपके एक्स है, क्या एक न्यू पर्सन है, क्या आप जानते हैं, क्या आप बिल्कुल नहीं जानते हैं इनके बारे में. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस कि ये इंसान कौन है, हु इज कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ, हु इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू, हु इज स्पाइंग यू, हु इज टॉकिंग यू, कौन है ये इंसान. प्लीज़ बताएं यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ बताएं यूनिवर्स कौन है. ओके, हु इज दिस पर्सन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है अनएक्सपेक्टेड इनकम. ओके, ऑफिशियल पर्सन, द चाइल्ड, द जर्नी, फॉल्स पर्सन, द हाउस. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है बैड हेल्थ 31, 27, 22, 18, 10, 10, 8, 20, 20, 20, 20, इस तरह से आप देख सकते हैं. रिपीटेड नंबर्स लाइक 8, 888, 18, 18 बहुत इंपॉर्टेंट है, 18, 9, ओके, 27. हो सकता है कि आप इनको ऑलरेडी मिल चुके हैं सितंबर के महीने में या अगले सितंबर में आप मिल सकते हैं. ये इंसान कौन है बेसिकली, टैरोट से हम बाद में देखेंगे. साइंस अभी थोड़ा सा साइंस है मैं बता देती हूँ. टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ठीक है, और ये कोई ऐसी ऑफिशियल डेजिग्नेशन पे है जहाँ पे इनकी इस तरह से नेम प्लेट हो सकता है, या हो सकता है कि ये इनको पर्टिकुलरली कोई केबिन दिया गया है, चेयर टेबल दिया गया है, लैपटॉप्स दिया गया है, एग्जीक्यूटिव पोजीशंस में हो सकते हैं. दे कैन बी इन द कार्गो सेक्शन होता है एयरलाइंस में, आप लोग पता कर लेना, जहाँ पे लगेजेस का इंचार्ज हो सकते हैं कुछ लोग ले में. मुझे यहाँ पे दिख रहा है दे कैन बी इन द ट्रांसपोर्ट एंड शिपिंग बिजनेस, जिस तरह से फ्लिपकार्ट या कोई भी ऑनलाइन स्टोर हो सकता है रिटेल, जहाँ पे शिपिंग, कुरियर, पार्सल, पैकेजेस इस तरह से हो सकते हैं. इस तरह हो सकता है रियल एस्टेट के कोई बिजनेस डीलर हो, कॉन्ट्रैक्ट्स हो, सप्लायर्स हो ठीक है, रिटेल हो बिजनेस इनका, इनका कोई एक ऐसा ग्रॉसरी मार्ट हो, शॉप हो, उस तरह से मुझे दिख रहा है. इनके एक बच्चे हो सकते हैं या इनके एक्स वाइफ हो सकते हैं. कुछ लोगों के लिए इंसान काफ़ी ज़्यादा आपसे एज में ज़्यादा होंगे, एंड डेफिनेटली हो सकता है कि आप इनको कोई हॉस्पिटल या क्लिनिक में मिलो. मे बी आप, हो सकता है कि आप एज अ रजिस्टर्ड नर्स या डॉक्टर आप वहाँ पे काम करें, या ऐसे ही आप अपने परिवार को, परिवार के किसी के इलनेस के वजह से उनको हॉस्पिटल में लेके गए, और तब नेक्स्ट केबिन में ही शायद इनके पेरेंट्स या कोई ऐसा होंगे, उसके थ्रू मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ट्रैवल के थ्रू मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्लाइंट्स के थ्रू मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं. दे कैन बी योर बॉस ऑल्सो, एंड ये इंसान अगर आपके बॉस है, कॉन्स्टेंटली आपके ऊपर उनका नज़र है. ये इंसान काफ़ी ज़्यादा रईस हो सकते हैं, बट इनकी स्टार्टिंग में ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं था. इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत से ही अपना जो बोला जाता है ना, अपना व्यवसाय जो है, अपना जॉब जो है, उसको सिक्योर किया. स्टेबल इनकम इनके पास आता है, ऑफिशियल, गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकते हैं, लाइक गवर्नमेंट जॉब होल्डर्स, बट बहुत अच्छे पोजीशन हैं ठीक है. उस तरह से मुझे दिख रहा है प्रॉफिट बहुत ज़्यादा आता है इनका मंथ में. ये इंसान आपको ऐसा एक छोटा सा बेबी जैसा समझते हैं ये, और चाहते हैं कि आप इनकी बात को मानो. एंड कॉन्स्टेंटली आप कहाँ पे जा रहे हो, आप किस तरह के ड्रेसेस पहनना पसंद करते हैं, पूरी तरह से हैक कर चुके हैं आपकी प्रोफाइल को. हैक नहीं, इसलिए नहीं किए है कुछ आपके साथ गलत करें, बट नहीं, आप कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं, आपकी प्रेफरेंसेस क्या है,
आपकी ज़िंदगी में तो कोई और है नहीं, आप क्या चाहते हो, आप बेसिकली इनके साथ अगर आपका मुलाकात हुआ है तो इन आपका क्या सोच है इनके बारे में, आप किस तरह के घटनाओं को समर्थन करते हैं, किस तरह के घटनाओं को आप बिल्कुल विरोध करते हैं, उसके हिसाब से। देयर हाउस में भी वेरी मच वेल डेकोरेटेड, इवन आपके भी घर हो सकते हैं वेल डेकोरेटेड। आई डू फाइंड कि अगर इनके बच्चे हैं तो हो सकता है इनके साथ नहीं रहते हैं, बिल्कुल अलग सा हो सकता है कि इनके बच्चे अलग जगह पे रहते हैं। आपके साथ इनकी अगर शादी होता है तो ऑफकोर्स एक छोटा सा क्यूट सा बेबी आपका होने का चांसेस है। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्नाइज है अपने फील्ड पे, काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स अप्रिसिएशन इनको मिला है। अगर ये यंग है सो दे विल बी गेटिंग सर्टेन काइंड ऑफ रिवॉर्ड्स इन द फ्यूचर। ठीक है, इनके पुश्तैनी घर हो सकते हैं, काफ़ी बड़ा 2-3 मंजिल का घर हो सकता है, और जहाँ पे भी रहते हैं हो सकता है कि होली प्लेसेस लाइक मंदिर मस्जिद या कोई भी जगह गुरुद्वारा हो सकता है कि वहाँ पे चर्च हो सकता है कि वहाँ पे रहे। ये इंसान एवरेज टू टॉल नेम, बहुत ज़्यादा टॉलर हाइट पे ज़्यादा दिख रहे हैं, एवरेज इनकी बॉडी वेट हो सकता है। ये इंसान का जो आँखें का कलर हो सकता है, मे बी दे वेयर ब्राउन लेंस और हेज़ल आइज, ये अंगूठी पहनते हैं। ठीक है, एंड हो सकता है एस्ट्रोलॉजिकल कुछ अंगूठी ये पहनते हैं। एंड ओके देन अगर ये पर्सन फीमेल है तो रफल्ड, इस तरह के ड्रेसेस को रफल्ड बोला जाता है, ये भी रफल्ड ड्रेसेस साड़ीज लाइक दिस दे कैन वेयर। अभी हम यहाँ से देख लेंगे बिकॉज आपको तो साइंस है, साइंस चाहिए होता है ऑफकोर्स, एंड टैरो से तो हमको देखना ही है हु इज़ दिस पर्सन हु इज़ कॉन्स्टेंटली लाइक। आपको ये हमेशा ट्रिगर भी करते हैं मुझे दिख रहा है। ओके आपकी भलाई चाहते हैं, बट अभी ये इंसान अगर आप इनको बोलो कि आप कौन हैं तो शायद ये जवाब ना दे, और मतलब आपकी मैसेज को थोड़ा सा वो अवॉइड करके जाए। अगर आप इनसे पूछोगे भी ठीक है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं वैसा क्यों कर रहे हैं, आप कौन हैं, आपकी रियल आइडेंटिटी क्या है, सो मे बी वो आपसे छुपाए बिकॉज दे हैव सम सीक्रेट्स, और जब तक वो उसको सॉल्व ना कर पाए वो आपको कुछ बोलेंगे नहीं। अगर भी बोलेंगे तो फॉल्स कुछ बोलेंगे, रियल आइडेंटिटी वो नहीं शो करेंगे। सो इंसान कौन है? टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क वृश्चिक, मीन राशि, एस ऑफ पेंटिकल्स, अगेन द अर्थ साइन, वी डू हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, एयर साइन, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, फाइव ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है स्टार कार्ड। ठीक है, सो आई डू फील दैट दिस पर्सन कैन बी अ हीलर, और यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे बैड हेल्थ है। सो ये इंसान जब आपकी ज़िंदगी में आएंगे तब आपकी अगर कोई ऐसी क्रॉनिक डिजीज़ है जो बार बार लगातार आपको परेशान करते हैं ड्यू टू स्ट्रेस, ड्यू टू एनी टाइप ऑफ लाइक हो सकता है ना एलर्जीज ऑल्सो क्रॉनिक डिजीज़ लाइक, और डिप्रेशन में चले जाना, क्रॉनिकल हो जाना, वो चीज़ क्लिनिकल डिप्रेशन में चले जाना, ये सब कुछ चीज़ ख़त्म हो जाएगा बिकॉज यू विल फाइंड योर ट्रू सोलमेट विद इन दिस पर्सन। ये इंसान के अंदर आप एक अच्छाई की परछाई को देखोगे और काफ़ी हद तक आप इन्फ्लुएंस भी होंगे इस इंसान से। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट अप्रोच रहेगा आपके तरफ। ये इंसान कुछ दूसरे देश, कास्ट, कम्युनिटी से भी हो सकते हैं। ये कोई ऐसे इंडस्ट्री में भी हो सकते हैं जहाँ पे इनको लगे कि ये जो काम कर रहे हैं बिल्कुल सीक्रेट है और हमेशा ही सीक्रेट रहना चाहिए कुछ चीज़ों को। डिप्लोमेट्स हो सकते हैं, ठीक है, जैसे कौन डिप्लोमेट्स हो सकते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं वही डिप्लोमेट्स होते हैं। एम्बेसीज में हो सकता है कि ये काम करे, काफ़ी फॉरेन आना जाना इनका रह सकता है। ये ऐसे इंसान है हमेशा ऐसा नहीं कि फॉरेन जाना या उनकी लाइफस्टाइल बहुत अच्छे है बोल के ये कभी भी डाउन टू अर्थ नहीं होते। नो दिस पर्सन लाइक ना, ये अगर सपोज लोग पेड़ पौधे ठीक है उगा रहे हैं तो इनको ऐसा नहीं कि किसी को अपॉइंट करे फिर बोल दे गार्डनर को कि आप करो, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि झूठा बर्तन भी धो नहीं सकते, ये कर सकते हैं, दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। ठीक है, ऐसा कोई काम नहीं है जो इनको करने में थोड़ा सा शर्म आए,
ऐसा कुछ नहीं, अगर अपना बेडशीट्स बदलना, ठीक है, कभी कभार क्लीन कर देना अपने घर को भी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, ये ऐसा करते हैं। दे समटाइम्स कीप देमसेल्फ डिटैच्ड फ्रॉम लव, क्योंकि उनको डर लगता है प्यार से। अगर प्यार एक बार हो सकता है कि उन्होंने धोखा खाया, बहुत ज़बरदस्त धोखा खाया, तो उनसे वो हील होना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू प्रपोज यू, दैट्स वेरी क्लियर, एंड दे वॉन्ट टू मेंटेन द रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप को जितना भी आपको लगे कि नहीं ये क्या है, मुझे नहीं पता ये कहाँ तक जाएगा, बट इनको पता है ये कहाँ तक इस चीज़ को लेके जाना चाहते हैं। दे कैन बी फ्रॉम योर ओन डिपार्टमेंट, हो सकता है ये आपके एक्स कलीग हो या बैचमेंट हो, ऐसा हो सकता है, बट आपको क्लियरली इसलिए नहीं कहा, मे बी दे आर डिवोर्स्ड और सेपरेटेड फ्रॉम देयर पार्टनर, ठीक है, ऐसा नहीं कहा आपको। ये बहुत सारे ये हमेशा देखोगे कि अपने घर में ना अगर सूखे हुए फूल है, एक बार भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको फेंक देंगे और फिर नया फूल ये लेके आएंगे, बिकॉज दे वॉन्ट एवरीथिंग फ्रेश इन देयर लाइफ। दूसरा जो चीज़ है वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, दे वेयर ब्लैक कलर क्लोथ्स वेरी ऑफन। ब्लैक इनके फेवरेट हो सकते हैं, लाइट ब्लू जीन्स, ऑरेंज कलर टी शर्ट्स, ऑरेंज कलर कैन ऑल्सो बी देयर फेवरेट। ओके, यूनिफॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा पहनते हैं क्योंकि उनकी कोई ऑफिस में जहाँ पे भी ये काम करते हैं, सो दे आर लाइक उनको पहनना ही पड़ेगा, ठीक है, देर इज़ नो अदर ऑप्शन। कुछ लोगों के लिए ये इंसान कैजुअल एंड कॉम्फी ड्रेसेस में, कंफर्टेबल ड्रेसेस में भी रहना पसंद करते हैं। आई डू फाइंड लाइक आप जब इनसे मिलेंगे ना, तो आपको लगेगा इंसान आपके साथ थोड़ा टाइम पास करने के लिए आए हैं, बट ऐसा नहीं है। इनकी जो मेंटालिटी होगा, इट्स लाइक टू एक्सपेंड द रिलेशनशिप, ठीक है। यहाँ से हम देख लेते हैं लास्ट में ओरेकल कार्ड्स को देखेंगे। सो लेट मी सी, इट्स अ GZ5PHR, सो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट रिक्रूटिंग स्क्रीनिंग ऑफ कैंडिडेट्स, ठीक है, ऑडिशन में जाके मे बी कास्टिंग काउच, कास्टिंग डायरेक्टर्स, इस तरह से हो सकते हैं। 3, ओके, HV GR GINA HINA, मानसी, मानव, महेश, 15, देखें 5, 3, 8, अगेन 8, 17 इज 8, सो 888 आप देख सकते हैं। अभिषेक, अभिनंदन, वाइजैक में रह सकते हैं, विशाखापट्टनम, ओके, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हो सकते हैं, डाइजेशन सिस्टम्स की डॉक्टर्स, ओके, एंड इट कैन बी एक्सट्रीमली न्यू कनेक्शन टू यू, ओके, राणा नाम हो सकता है, राणा सरनेम हो सकता है, ओके, हैट, इनको टोपी पहनना बहुत पसंद है, वेरी कलरफुल हैट्स, एक्सेसरीज, ओके, एंड अनिमेश हो सकता है किसी का नाम, ओके, अनिरुद्ध हो सकता है किसी का नाम, हाई कोर्ट में हो सकता है ये इंसान, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हमेशा ये कैरी करते हैं, ओके, आपने जो सोचा था उससे 3 गुना ज़्यादा, ठीक है, इस इंसान के अंदर खूबसूरती होगी। वाइन, VINE, सो हो सकता है कि अंगूर के खेत के आसपास रहते हो, वाइन यार्ड्स जैसे है पुणे में, ठीक है, सो इट्स लाइक ओके, पुनीत हो सकता है किसका नाम, नैना, नैना आ रहा है, नैना खूबसूरत, इनके नैन काफी सुंदर हो सकते हैं, ओके, एंड नीना हो सकता है किसी का नाम, निधि, ओके, सो इस तरह से मैंने देखा है, ओके, मिनिमम मैक्सिमम,
हो सकता है हमेशा लोगों को बोलते हैं, देखो मिनिमम सैलरी आपको ये मिलेगा, मैक्सिमम सैलरी आपको ये मिलेगा, मिनिमम पॉइंट्स आपको ये मिलेगा, मैक्सिमम पॉइंट्स आपको ये मिलेगा। सो इससे वो क्लैरिफाई करते हैं अपने क्लाइंट्स को। अभी हम थोड़ा सा ओरेकल कार्ड्स देख के इस रीडिंग को कंप्लीट करते हैं। सो प्लीज़ वॉच द ओरेकल कार्ड्स, क्योंकि ये आपके लिए होता है, आपकी गाइडेंस के लिए होता है। आपको क्या करना चाहिए ना, तो आप तो ऐसा पूछोगे ना कि ये है कौन, हम क्या करें फिर, अगर ये हमको स्टॉक कर रहे हैं या अगर हमारे लाइफ में आ रहे हैं तो हमारे लिए क्या व्यवस्था है। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। पता नहीं ऐसा मुझे लग रहा है कुछ लोग ऐसे ट्रिप में जाने वाले हो जहाँ पे ना आपको चैन और सुकून तो होगा ही, लेकिन वो एक स्पिरिचुअल टूर होगा। और वहाँ पे ना जैसे आश्रम पे रहना, सबके साथ भोजन खाना, फिर भोग वहाँ पे है। जैसे होता है ना कि कुछ आप जा रहे हो मास प्रेयर्स में, ठीक है, कम्युनिटी वहाँ पे प्रेयर कर रहे हैं, उस तरह से मुझे दिख रहा है। जैसे इस्कॉन टेम्पल पे होता है उसी तरह से मुझे दिख रहा है। ओके, देखो अवेकनिंग, इस्कॉन टेम्पल का नाम लिया और यहाँ पे कृष्णा जी यहाँ पे आए। ओ माई लॉर्ड, वेक मी अप फ्रॉम लाइफ एज अ स्पिरिचुअल शिप, मे आई हियर यू थ्रू माई ओन इंस्टिंक्ट्स एंड कॉमन सेंस। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपकी इनकी के वजह से, कृष्णा जी की, अगर आप जाप करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, बहुत अच्छा फल, लाभदायक आपको फल मिलेगा। एंड डेफिनेटली आई डू फील लाइक दैट आपके ज़िंदगी में भी कभी भी, ठीक है, आप खुशी को बहुत अच्छे से गले लगाओगे। और ये कृष्णा जी आपको ये भी बोल रहे हैं, ये सोने का वक्त नहीं है, आप जागो। आप किसी के ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट मत करो, खुद के ऊपर करो। ईज़, यहाँ पे लक्ष्मी जी आई है, इट्स इजी फॉर मी टू रिसीव, इट्स इजी फॉर मी टू रिसीव एंड इट्स इजी फॉर मी टू रिसीव, ऐसा आप ज़रूर लिख सकते हैं। आपको लोटस फ्लावर्स काफ़ी दिख सकता है यहाँ पर। वर्थ, यू हैव बीन वर्थी टू बिलोंग टू लव ऑल अलोंग विदाउट एनी नीड टू इम्प्रूव, इन फैक्ट यू आर लव इटसेल्फ। खुद को भाई प्यार करो, वो प्यार आप लोगों के अंदर देखने से ज़्यादा आप खुद के अंदर वो प्यार को देखें। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।